हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से स्वेटर का एक नया डिजाइन लेकर आई हूँ, आप सबके साथ शेयर करूंगी इस डिजाइन को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि ये कैसे बना हुआ है, ताकि आप सबके समझ में आए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 20 फंदा है, यानी 20 फंदा है। अभी इसी में मैं इस डिजाइन को बताऊंगी। ये हर फंदे में डिजाइन बनने वाला ये डिजाइन है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये छोटा छोटा डिजाइन है, तो इसको देखिए। ये पहले हम तो बॉर्डर के जैसा इसको सीधा उल्टा बुनेंगे इस तरह। ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब देखिए इसको, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे, सीधा उल्टा बुन के, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह सेम बनाना है इसको। अभी उसके बाद में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, अभी सीधा उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए इसको, आगे फिर हम सीधा उल्टा ही बुनेंगे, उल्टा पर उल्टा और सीधा पर सीधा। इस तरह हम 4 सलाई बुनेंगे, उसके बाद मैं डिजाइन बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। ये देखिए, ये दूसरा रो चल रहा है, और 2 रो बुनेंगे तो ये 4 रो हो जाएगा। 4 रो बनानी है इस तरह। ये देखिए, उल्टा सीधा बनाना है इसको। अब ये देखिए, ये 4 रो कंप्लीट हो गया सीधा उल्टा बुन के। अब इसको देखिए आगे, ये एक फंदा उल्टा और ये सीधे वाला में देखिए। अब यहां से 1 2 3, ये तीसरे में हम इसको इस तरह निकालेंगे ऐसे, एक, और ये देखिए 2, फिर देखिए इसको 3। एक में हम 3 फंदा को निकालेंगे ऐसे, और इसको हम इस पर से इस तरह उतार देंगे, इस तरह बनेगा ये। अब आगे देखिए इसको, धागे अपने तरफ, और यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा। फिर अब हम इसमें बनाएंगे इस डिजाइन को, इस वाले फंदे में। तो देखिए, 1 2 3, ये तीसरे में से हम इसको निकालेंगे इस तरह, फिर एक बार धागा हम लपेटेंगे, फिर देखिए इसको इस तरह हम निकालेंगे। ये देखिए, एक में हम 3 फंदा है, 1 फंदा में हम 3 फंदा निकालेंगे, तब इसको हम इस पर से इस तरह उतारेंगे। अब देखिए, धागे अपने तरफ, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा इस तरह, फिर 1 फंदा उल्टा। अभी हम इसमें बनाएंगे अब इस डिजाइन को। देखिए, 1 2 3, ये तीसरे में से इस फंदे को निकालेंगे इस तरह, 1 2 3, एक में 3 फंदे निकालेंगे। फिर अब हम इसको इस पर सिलाई पर से उतारेंगे इसको, और देखिए फिर धागे अपने तरफ, इस फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए 1 फंदा सीधा, फिर देखिए इसको 1 फंदा उल्टा, फिर देखिए अब हम इसमें इस डिजाइन को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3, ये तीसरे से निकालेंगे, तीसरे लाइन में से इस तरह, 1 2 3, ये 3 फंदा निकालेंगे एक में से। अब देखिए इसको उतार दिए, अब फिर धागे अपने तरफ, अब इसको देखिए इस तरह, फिर यहाँ पर 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा। अब हम इसमें बनाएंगे इस डिजाइन को। ये देखिए, 1 2 3, ये देखिए इस तरह, 1 2 3। ये छोटा छोटा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है बनके। लाइट कलर पर बनाएंगे तो ज्यादा
अच्छा लगेगा, दिखेगा वो। डार्क पर थोड़ा कम दिखता है, लाइट पे ये ज्यादा दिखता है, लाइट कलर पर। तो अब पीछे की तरफ से देखिए इसको, तो कोशिश कीजिएगा लाइट कलर पर इस डिजाइन को बनाने को। अब देखिए एक ये तीन फंदा जो निकाले थे एक फंदे में से, अब हम इसको इस तरह उल्टा बुनेंगे पीछे की तरफ से। इन तीनों फंदे को हम लेकर उल्टा बुनेंगे इस तरह, फिर धागे पीछे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे अपने तरफ। ये देखिए ये फंदा सीधा बुनी थी, अब पीछे की तरफ से एक फंदा उल्टा, फिर देखिए धागे पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर धागे अपने तरफ, इन तीन फंदे को हम उल्टा बुनेंगे पीछे की तरफ से। ये तीन फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ। अब ये तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, यहाँ पर देखिए एक दो तीन, जिस फंदे को इधर से निकाले थे उसको हम इधर से उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए धागे पीछे एक, फिर धागे अपने तरफ दो, फिर धागे पीछे तीन, ये तीन फंदा उल्टा सीधा हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा हो गया, धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा सीधा हो गया, अब फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर देखिए इन तीन फंदे को उल्टा बुनेंगे, ये तीन फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर अब ये किनारे का है तो इसको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, ये देखिए सीधे की तरफ से ये उल्टा पर उल्टा बुनेंगे और सीधा पर सीधा बुनेंगे इस तरह। फिर देखिए अब धागे पीछे रखेंगे, अब सॉरी ये इसी में का है फंदा, तो एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुन लिए। अब ये तीन फंदा जो निकाले थे एक में, अब इन दो फंदे को हम बिना बुने हुए ले लेंगे इस सिलाई पे, और फिर इस फंदे को हम बुनेंगे। इसको बुन के इन दो फंदे को लेकर इसी के ऊपर से हम इस तरह उतारेंगे ऐसे। फिर देखिए इसको आगे, ये एक फंदा उल्टा, फिर देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए इन दो फंदे को लेकर हम दूसरे सिलाई पर ले लेंगे बिना बुने हुए। अब इस फंदे को हम बुनेंगे, तीसरा फंदे को बुन के इन दो फंदे को लेकर इसके ऊपर से उतारेंगे इस तरह। ये देखिए ऐसे एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अब धागे पीछे। ये देखिए एक दो, दो फंदा इस सिलाई पर ले लिए बिना बुने हुए। अब इस फंदे को हम बुनेंगे, तीसरे वाला फंदे को बुन के अब इन दो फंदे को लेकर इसी के ऊपर से इस तरह उतारेंगे। फिर धागे अपने तरफ, ये देखिए एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा। अब इन दो फंदे को लेकर इस तरह देखिए उतार लिए। अब हम इस फंदा को बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। ये छोटे छोटे डिजाइन में बहुत प्यारा लगता है और बहुत आसान है ये डिजाइन। ये देखिए इन दो फंदे को ले लिए बिना बुने हुए, इस फंदे को बुनेंगे और इस दो फंदे को लेकर इसके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। ये देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है डिजाइन, ये देखिए। अब यहाँ पर हम धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह। हम दो रो बुनेंगे उल्टा सीधा, एक पीछे की तरफ से, एक सीधे की तरफ से, और फिर एक पीछे की तरफ से, तो ये तीन रो हो जाएगा। दो रो नहीं, तीन रो बुनेंगे उल्टा सीधा करके, सीधा पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनेंगे तीन रो। ये देखिए ये डिजाइन, अब यहाँ पर देखिए ये सीधे की तरफ से ये तीन सिलाई सीधा उल्टा हो गया। देखिए एक दो तीन, ये तीन सिलाई बुन लिए सीधा पर सीधा और उल्टा पर उल्टा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा। अब हम इस फंदे में जो निकाले थे इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा और उल्टा यहाँ पर,
अब हम इस फंदे में निकालेंगे इसके, ये देखिए इस फंदे में निकालेंगे जिसमें नहीं निकाले थे इस डिजाइन को, अब उस फंदे में हम निकालेंगे। देखिए एक दो तीन, ये तीसरे लाइन से इसको एक दो तीन, ये तीन फंदा निकल गया। अब इसको हम इस पर से उतार देंगे, फिर देखिए इसको धागे अपने तरफ और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अब इसी तरह हम रिपीट करेंगे इस डिजाइन को। ये देखिए एक दो तीन, तीसरे में से इसको निकालेंगे, बार बार इसी तरह रिपीट करना है। अगले बार हम इस वाला फंदे पर निकालेंगे इसमें, अब देखिए इसको बहुत ही आसान है डिजाइन। ये देखिए ये तीन फंदा निकल गया, अब हम इसको इस पर से उतार देंगे। अब फिर देखिए धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब हम इस फंदे में निकालेंगे एक दो तीन, तीसरे लाइन में इसको इस तरह एक दो तीन, ये तीन फंदा निकल गया, अब हम इसको उतारेंगे। ये देखिए अब फिर धागे अपने तरफ, ये देखिए एक फंदा उल्टा, ये देखिए एक फंदा सीधा, फिर देखिए इसको एक फंदा उल्टा, अब हम इसमें निकालेंगे इस डिजाइन को एक दो तीन, ये तीसरे लाइन में इस तरह, ये देखिए एक में तीन निकल गया, अब हम इसको उतार देंगे इस फंदे को। फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, अब इसको हम सीधा बुनेंगे और ये किनारे का फंदा है तो हम इसको सीधा सीधा बुन कर कंप्लीट करेंगे। फिर उसी तरह बनाना है इसको, सेम उसी तरह रिपीट करते जाना है और ये डिजाइन अपने आप बनेगा। ये देखिए अब इन तीन फंदे को लेकर हम उल्टा बुनेंगे। देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, जिस फंदे को निकाले थे उधर से तीन फंदे को, हम पीछे की तरफ से उस तीनों फंदे को लेकर हम उल्टा बुनेंगे, बाकी फंदे उल्टा पर उल्टा और सीधा पर सीधा बुनना है। ये देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया ये रो। अब हम सीधे की तरफ से इसको उसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। ये देखिए इस तरह बनेगा ये, अभी तो थोड़ा सा बना हुआ है तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये देखिए अब इसको हम उल्टा पर उल्टा बनाएंगे और सीधा पर सीधा, फिर उल्टा पर उल्टा, और फिर देखिए इन दो दो फंदे को बिना बुने हुए लेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, तीसरा फंदे को, और दो फंदे को लेकर इसके ऊपर से हम इस तरह उतार देंगे। फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, और फिर देखिए इन दो फंदे को बिना बुने हुए ले लिए, अब तीसरा फंदे को हम इस तरह लेकर उतारेंगे इसके ऊपर से। फिर देखिए इसको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए इन दो फंदे को बिना बुने हुए ले लिए, अब तीसरा फंदा ये बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दो फंदा बिना बुने हुए ले लिए, अब तीसरा को बुनेंगे और इन दो को लेकर इसके ऊपर से हम उतार देंगे इस तरह। फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये देखिए अब ये किनारे का है तो इसको हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये सेम उसी तरह इसको रिपीट करना है बार बार। अब यहाँ पर हम फिर अब ये तीन सिलाई उल्टा सीधा बुनेंगे, फिर चौथे सिलाई में इस डिजाइन को यहाँ पर हम निकालेंगे इस लाइन में, इस लाइन में इस तरह ये
बनेगा। देखिए ये दिख रहा है, छोटा छोटा बूटी के जैसा लगेगा। ये लाइट कलर पर बनाइएगा, ऐसे मैं डार्क पर भी बना के दिखाऊंगी। अब ये आप सबको देखिए, ये थोड़ा इतना उभर के डार्क पर नहीं आ रहा है, तो लाइट कलर पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा है, ये देखिए। और इस पर देखिए, इस पर दूर से ही चमक जाएगा लाइट कलर पर। और ये देखिए, ये भी दिख रहा है लेकिन इससे थोड़ा कम दिख रहा है, ये लाइट डार्क है कलर। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सबके साथ।